हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस वीडियो लेक्चर ऑन एंथोसेरोस पार्ट टू रिप्रोडक्शन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिप्रोडक्टिव मेथड्स या मींस बाय विच द एंथोसेरोस रिप्रोड्यूस। तो दो तरह के रिप्रोडक्टिव मींस हैं, रिप्रोडक्शन मींस हैं, वो हैं वेजिटेटिव एंड सेक्शुअल। सबसे पहले डिस्कस करते हैं वेजिटेटिव मेथड्स। सबसे पहला मेथड है फ्रेगमेंटेशन। इट इज़ अ वेरी कॉमन मेथड। इसमें क्या होगा, जो प्लांट बॉडी है वो फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाती है, सेपरेट हो जाती है, कट हो जाती है। क्यों कट हो जाती है? वो बॉडी जो उन फ्रेगमेंट्स को जोड़ के रखी हुई थी वो डीके हो जाती है, डेड हो जाती है। तो फ्रेगमेंट्स ऑटोमेटिकली, वो लोब्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली सेपरेट हो जाते हैं। ये नेचुरल मेथड है और एक इसके लिए कोई स्पेशल कंडीशंस की ज़रूरत नहीं है, ये नेचुरली होता रहेगा। जैसे जैसे ओल्ड पार्ट डीके होता रहेगा, इस तरह से फ्रेगमेंट्स में वो फिर आगे का जो न्यू रीजन है, न्यू लोब्स हैं, वो सेपरेट होते रहेंगे। ठीक है। सेकंड है ट्यूबर्स। ट्यूबर्स जो हैं वो स्पेशल कंडीशन में फॉर्म होते हैं, ड्रॉट कंडीशंस जब होती हैं तब बनते हैं। इसमें होता क्या है, थैलस जो है वो राउंड मार्जिन्स, थिक राउंड मार्जिन्स जो है वो डेवलप करता है जब ड्रॉट होता है। और वो जो स्ट्रक्चर, जब तब जो स्ट्रक्चर बनता है वो ट्यूबर कहलाता है। ट्यूबर के जो सरफेस सेल्स होंगे वो कॉर्क जो है, कॉर्क की थिकनिंग्स जो है, कॉर्क की वॉल्व डेवलप करते हैं। और उन कॉर्क की वॉल्व्स का फंक्शन होता है प्रोटेक्टिव, जो अंदर के जो सेल्स हैं जो स्टोर करके रखते हैं स्टार्च को, उनको प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है। सम स्पीशीज इवन बियर स्टॉक्ड ट्यूबर्स। कुछ स्पीशीज में जो ट्यूबर है वो डायरेक्टली थैलस के साथ अटैच नहीं होता, एक स्टॉक बनती है और स्टॉक के ऊपर फिर वो इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है। तो बेसिकली ट्यूबर क्या है, ये एक राउंड स्वॉलन सा स्ट्रक्चर है और इसमें बाहर के जो सेल्स हैं उनकी वॉल कॉर्क उसमें डिपॉजिटेड होगा, कॉर्क की वॉल होगी। और जो इनर सेल्स हैं वो स्टोरेज सेल्स होंगे जिसमें स्टार्च स्टोर होगा। तो एक तरह से वो पेरिनेटिंग बॉडीज भी बन जाती हैं और जब उनको प्रॉपर फेवरेबल कंडीशंस मिल जाती हैं तो वो नया थैलस डिवाइड कर देती हैं, नया थैलस बना देती हैं। फिर है परसिस्टेंट ग्रोइंग एपिसिस। इसमें क्या होगा, ड्यूरिंग ड्राई समर ग्रोथ एपिसिस जो है वो डॉर्मेंट हो जाती हैं, अपनी एक्टिविटी स्लो डाउन कर देती हैं, जिससे रेस्ट ऑफ द थैलस जो होता है वो बेशक सूख जाए ड्रॉट कंडीशन। ये ध्यान रखो, ये ड्राई समर की बात है, जब सीजन चेंज होता है। ठीक है। तो ये एक सीजनल, एक तरह से मेथड है, सीजनल चेंजेस में ये हेल्प करता है। तो क्या होगा, ड्राई समर है तो जो वेजिटेटिव थैलस है, प्लांट बॉडी है, वो ड्राई हो जाएगी का पूरी। और जो एपेक्स रीजन है जहाँ से ग्रोथ होती है, जहाँ से सेल्स ऐड होते हैं नए, वो वाला रीजन डॉर्मेंट हो जाएगा। ठीक है। बाकी प्लांट ड्राई हो चुका है, वो लूज कर देता है अपनी एबिलिटी ग्रो करने की, लेकिन एपिकल रीजन्स जो होते हैं, एपिसेस जो होते हैं, वो रीजन्स जो हैं डॉर्मेंट हो जाते हैं। और जब दोबारा से मॉइस्चर कंटेंट इंक्रीज हो जाता है, फेवरेबल कंडीशंस आ जाती हैं, तो जो ग्रोथ एपिसेस है जो डॉर्मेंट हो गई थी वो फिर से एक्टिव हो जाती हैं और न्यू सेल्स बनाना शुरू करती हैं, जिससे नया थैलस बन जाता है। नेक्स्ट है एपोस्पोरी। एपोस्पोरी में क्या होगा, न्यू थैलाई जो है वो बन रहा है किससे, स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी के सेल्स से। ठीक है। जो ऊपर वाले मेथड्स थे यूजुअली वो सारे के सारे गेमेटोफिटिक प्लांट बॉडी से बनते हैं सेल्स उसके, और जो एपोस्पोरी है उसमें स्पोरोफाइट के सेल्स जो है वो नया थैलस बनाते हैं। ठीक है। और कुछ साइंटिस्ट ने कुछ स्पीशीज में गीमा कप फॉर्मेशन भी
ऑब्जर्व की है, तो वो भी एक मेथड हो सकता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का, बट वो इतना कॉमन मेथड नहीं है. सो ये था वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन एंथोसेरोस. अब बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंथोसेरोस. कुछ स्पीशीज मोनोशियस हैं, कुछ स्पीशीज डायोशियस हैं. जो सेक्स ऑर्गन्स हैं वो डेवलप होते हैं जब वो फोटो पीरियड को अकॉर्डिंग टू दे डेवलप अकॉर्डिंग टू फोटो पीरियड. उनकी डेवलपमेंट डिपेंड करती है फोटो पीरियड के ऊपर. शॉर्ट डे जो है वो उनके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है. तो सेक्स ऑर्गन्स दे डेवलप इन फॉल, विंटर एंड स्प्रिंग. और उस टाइम पर वाटर जो है या मॉइस्चर कंटेंट है एटमोसफियर में वो भी अबंडेंट होता है. तो और साथ साथ उस टाइम पर फोटो पीरियड यानी शॉर्ट डे कंडीशंस होती हैं, तो तब सेक्स ऑर्गन्स जो है वो डेवलप होते हैं एंथोसेरोस के अंदर. ठीक है, तो दो चीज़ें थी, एक तो मोनोशियस होंगी कुछ स्पीशीज डायोशियस होंगी, दूसरा फोटो पीरियड के ऊपर डिपेंडेंट होता है. ठीक है, और साथ साथ वाटर कंटेंट ये भी उसके लिए बहुत ज़रूरी है बिकॉज इट्स अ ब्रायोफाइट और ब्रायोफाइट्स आर एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम. क्यों? क्योंकि बाकी फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस के अलावा फर्टिलाइजेशन के लिए उनको वाटर के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है एज अ मीडियम भी. ठीक है, तो दीज वर द पॉइंट्स अबाउट रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंथोसेरोस. अब बात करते हैं स्ट्रक्चर्स की जो सेक्स ऑर्गन्स होंगे एंथोसेरोस के. सबसे पहले है एंथ्रीडिया, इट इज अ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. एंडोजेनस इसका डेवलपमेंट होगी, एंडोजेनस मतलब इनसाइड. ठीक है, बाहर एक्सपोज्ड नहीं होगा, इनसाइड द थैलस ये बनेगा. इट डेवलप्स इन एंथ्रीडियल चैम्बर. एंथ्रीडियल चैम्बर्स होते हैं उनके अंदर एंथ्रीडिया बनते हैं. ठीक है, और वो एंथ्रीडियल चैम्बर कहाँ पर होंगे? अपर सरफेस पर, वेजिटेटिव थैलस जो है उसमें. और दे आर एम्बेडेड इनसाइड द थैलस. एंडोजेनस है इसलिए एम्बेडेड इन द थैलस. ठीक है, ईच एंथ्रीडियम इज ओवॉइड स्ट्रक्चर. एंथ्रीडियल चैम्बर्स हैं, एंथ्रीडियल चैम्बर्स के अंदर एंथ्रीडियम बनते हैं. ठीक है, तो एक एंथ्रीडियम क्या होगा? ओवॉइड ओवल स्ट्रक्चर होगा. ठीक है, अटैच्ड टू द थैलस या बॉडी बाय अ मल्टी सेलुलर स्टॉक. एक स्टॉक होगा मल्टी सेलुलर, और वो एंथ्रीडियम को बेस या बॉडी से अटैच करता है. एंथ्रीडियम इट कंटेन्स अ मास ऑफ एंड्रोसाइट्स. एंड्रोसाइट्स मदर सेल होते हैं पहले, और उसके बाद एंड्रोसाइट मदर सेल्स दे फॉर्म एंड्रोसाइट्स जो हैं वो बनाएंगे आगे चलकर एंथेरोजॉइट्स. ठीक है, तो एंड्रोसाइट्स प्रेजेंट हैं और एंथेरोजॉइट्स प्रेजेंट हैं, और ये सब किसके अंदर एनक्लोज्ड होते हैं? एंथ्रीडियम की एक आउटर वॉल होती है, और वो क्या कहलाएगी? सिंगल लेयर्ड स्टेराइल जैकेट. ठीक है, तो जो एंथ्रीडियम है वो कवर्ड रहता है सिंगल लेयर्ड स्टेराइल जैकेट से. ये ब्रायोफाइट्स की एक फीचर भी है इम्पॉर्टेंट, कि इसके सेक्स ऑर्गन्स जो हैं वो स्टेराइल जैकेट से कवर्ड रहते हैं. एल्गी में ऐसा नहीं था. ठीक है, तो ये एक एडवांस फीचर है. वॉल ऑफ एंथ्रीडिया जो है उसमें जो स्टेराइल जैकेट है उसके सेल्स स्टार्टिंग में जो हैं ग्रीन कलर के होते हैं प्लास्टिड की वजह से. सिंपल क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोफिल्स प्रेजेंट है उसके अंदर पिगमेंट. और जैसे जैसे मैच्योर होता है एंथ्रीडिया, जैसे जैसे एंथ्रोजॉइड्स बनते हैं वैसे वैसे इसमें प्लास्टिड जो है पिगमेंट जो है वो चेंज होते हैं, और जो एक मैच्योर एंथ्रीडियम होगा उसमें ब्राइट ऑरेंज या रेड कलर का जो है सेल बनेगा बिकॉज ऑफ द पिगमेंट्स. ठीक है, प्लास्टिड चेंज हो जाएगा, पिगमेंट चेंज हो जाएगा, मॉडिफाई हो जाएगा, और उसकी वजह से जो स्टेराइल जैकेट स्टार्टिंग में ग्रीन कलर की थी मैच्योर होने पर एंथ्रीडियम वो ब्राइट ऑरेंज या रेड कलर की दिखेगी. ठीक है,
एंथ्रोसाइट्स जो हैं वो, जो कि स्टराइल जैकेट के अंदर थे, वो बनाएंगे स्पर्म या एंथ्रोजॉइट्स. और ईच एंथ्रोजॉइट जो है वो एक टाइनी स्लाइटली कर्व्ड एंड बाइफ्लैजेलेट स्ट्रक्चर होगा. ठीक है, यहाँ पर डायग्राम है, इधर देख सकते हो. आउटर मोस्ट जो है वो वॉल है, एंथ्रीडियम एंथ्रीडियल चैम्बर है, उसकी वॉल है आउटर मोस्ट, टू सेल्ड है. ठीक है, और जो बीच में खाली स्पेस है वो एंथ्रीडियल चैम्बर है. जो बेस है, बेस से मल्टी सेलुलर स्टॉक निकल रही हैं और वो स्टॉक एंड में जाकर स्वॉलन है. उनके अंदर बहुत सारे सेल्स हैं, एंड्रोगोनियल सेल्स जिनको कह सकते हैं, जो एंड्रोसाइट्स बनाते हैं. और एंड्रोसाइट्स क्या बनाएंगे फिर? एंथेरोजॉइट्स. ठीक है, और हर एंथ्रीडियम जो है वो ओवल है और स्टराइल जैकेट जो है उससे कवर्ड है. ठीक है, और साइड में जो डी डायग्राम है ये एंथेरोजॉइट जो होता है एक, उसका डायग्राम है बाइफ्लैजेलेट, दो फ्लैजेला है ऊपर और नीचे स्लाइटली कर्व्ड है. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एंथ्रीडियम. ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. अब बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है आर्किगोनियम. ये भी एंडोजेनस है, इट डेवलप डीप इन द थैलिस. ये एंथ्रीडिया जो होते हैं उससे ज़्यादा डीपर जो है थैलिस में डेवलप होता है. एंड इट यूजुअली डेवलप क्लोजर टू द ग्रोइंग एपिसिस, जो ग्रोइंग रीजन है थैलिस का, जो न्यूली फॉर्म्ड एंड एक्टिवली ग्रोइंग सेल्स जहाँ पर प्रेजेंट होते हैं वहाँ उसके पास ये आर्किगोनिया डेवलप होते हैं. अपर सरफेस पर जो है ये डेवलप होते हैं और रो में डेवलप होते हैं, एक के बाद एक रो बनती हैं आर्किगोनियाज की. ईच आर्किगोनियम इट कंसिस्ट ऑफ एक्सियल रो ऑफ, एक एक्सिस है आर्किगोनियम के लिए, एक एक्सिस है, एक्सिस में 4 से 6 नेक कैनाल सेल्स होंगे और सबसे ऊपर उन सेल्स को कवर करने वाले एपिकल कवर सेल होंगे. ठीक है, नेक कैनाल सेल्स के बाद नीचे वह एक वेंट्रल कैनाल सेल होगा और वेंट्रल कैनाल सेल से नीचे एक एग सेल होगा. अब आर्किगोनिया जो है एंथोसेरोस का, उसके एक फीचर है जो कि जो ब्रायोफाइट्स की फीचर है उससे मैच नहीं करती, वो है स्टराइल जैकेट इज एब्सेंट. तो आर्किगोनियम में जो स्टराइल जैकेट होती है वो एब्सेंट होती है, बट उसके आसपास के जो पेरेन्काइमेटस सेल्स हैं, पेरेंट थैलस के जो सेल्स हैं, वो उसको प्रोटेक्ट करते हैं, एज ए जैकेट उसके लिए काम करते हैं. ठीक है, जो कवर सेल्स हैं सबसे ऊपर प्रेजेंट थे जो अपर सरफेस पर नेक कैनाल सेल्स के बाहर, वो उनके ऊपर एक म्यूसिलेजिनस माउंट प्रेजेंट होगा जो उसको प्रोटेक्ट करके रखता है और जब एंथेरोजॉइड्स आते हैं तब वो ओपन हो सकता है. ठीक है, यहाँ पर ये जो है स्ट्रक्चर है एक आर्किगोनियम का. ऊपर सबसे देख सकते हो कवर और लिड सेल्स. ठीक है, और उसके बाद नीचे नेक कैनाल सेल्स, एक्सियल सेल हैं ये. ठीक है, फिर है वेंट्रल कैनाल सेल और सबसे लास्ट में एक लार्ज एग सेल. ठीक है, तो ये है एक स्ट्रक्चर आर्किगोनियम का. अब यहाँ पर देख सकते हो प्रॉपर थैलस, अगर हम उसको सेक्शन कट करके देखें तो कैसे एंथ्रीडियम और आर्किगोनियम प्रेजेंट होंगे. ऊपर जो है एंथोसेरोस का थैलस है विद एंथ्रीडियम, तो एम्बेडेड है ये थैलस के अंदर. ठीक है, मल्टी सेलुलर स्टॉक है वो प्रेजेंट है और एंड्रोसाइट्स जो हैं एंथ्रीडिया के वो प्रेजेंट हैं, और जो एंड्रोसाइट्स हैं वो सब के सब एक स्टराइल जैकेट, एक एंथ्रीडियम में एक स्टराइल जैकेट से एनक्लोज्ड हैं और स्टराइल जैकेट मैच्योर जो होगी एंथ्रीडिया उनमें ऑरेंज कलर की होगी. और ये सब स्ट्रक्चर्स कहाँ पर प्रेजेंट है? एंथ्रीडियल चैम्बर के अंदर प्रेजेंट. ठीक है,
और नीचे जो है वो स्ट्रक्चर है आर्किगोनियम का। आर्किगोनियम में सबसे ऊपर कवर सेल्स हैं, अपर सरफेस पर प्रेजेंट होंगे, वहाँ से ओरिजिनेट होते हैं ये। कवर सेल्स के नीचे रो होगी नेक केनाल सेल्स की, उसके बाद एक नीचे वेंट्रल केनाल सेल होगा और सबसे नीचे एक लार्ज एग सेल होगा। ठीक है, पोजीशन की बात की जाए तो एंथ्रीडिया इतने ज़्यादा डीपली सीटेड नहीं है, जबकि आर्किगोनियम जो है वो काफ़ी डीप तक जाता है थैलस। ठीक है, सो दीज वर द स्ट्रक्चर ऑफ सेक्स ऑर्गन्स ऑफ एंथोसेरोस। आपके जो सिलेबस है उसमें डेवलपमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स नहीं है, तो उसको स्किप कर सकते हैं, और जो पढ़ना चाहे वो चाहे तो पढ़ सकते हैं एक बार उसको थोड़ी क्लैरिटी के लिए। बाकी यू हैव टू रिमेम्बर द स्ट्रक्चर ऑफ द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ठीक है, सो दिस वॉज द लेक्चर अबाउट एंथोसेरोस एंड रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स ऑफ एंथोसेरोस। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें फर्टिलाइजेशन, स्पोरोफाइट एंड लाइफ साइकिल जो है वो डिस्कस होगी, जिससे कि एंथोसेरोस टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। और कोई डाउट है इस टॉपिक में अब तक रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स को लेकर तो वो पूछ सकते हो। ठीक है, ओके देन, टेक केयर, हैव अ गुड डे।